हेलो गाइस दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी तो यहां पर ये पाँच दिसंबर में जो वीडियो का पेपर हुआ है पहली मीटिंग वाला तो यहां पर ये उसके आंसर किए हमने प्रयास किया है कि हम यहां पर सही उत्तर आपको प्रोवाइड करें यदि किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हम वहाँ पर उसको भी डिस्कस कर लेंगे इसकी जो पी है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर पहला जो प्रश्न है हमारे पास यह है कि विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा उपसर्ग नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो यहाँ पर खंडोग्रह जो है ये तत्सम शब्द है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं त्रेष्ठ शब्द में कौन सी संधि है तो यहाँ पर जो ये संधि है यहाँ पर ये गुण संधि है नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास उससे पढ़ा नहीं जाता उससे काम नहीं किया जाता इस तरह के जो वाक्य हैं वो भाववाचक वाक्य में काउंट किया जाता है तो सही उत्तर हो हो जो होगा वो होगा सी नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध विवर्तनी वाला शब्द कौन सा है तो यहां पर जो शुद्ध शब्द जो है वो होगा यहां पर बी दृष्ट सन्यासी में यहां पर आती है और वांग में भी गलत है तो बी इसका सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास दूध का अर्थ संदेहवाहक होता है जो तो द्रुत का क्या होता है तो उसका जो सही उत्तर है वह है यहाँ पर जुआ महाभारत से आपको याद होगा द्रुत क्रीडिया द्रुत क्रीड़ा जिसको बोलते हैं तो जुआ से संबंधित है इसका सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन सा है तो यहां पर जो का सही उत्तर होगा वह होगा यहां पर बी या डी दोनों ही यहाँ पर सही उत्तर हैं देखते हैं आयोग क्या देगा तो डाउटफुल क्वेश्चन है ये भी नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की है किस भाषा में की तो यहाँ पर यह भाषा में की है इनकी केवल यही रचना जो है ब्रज भाषा में है बाकी सब जो है मेथिली में दूसरी भाषाओं में है नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास बुरी बुरी खाग धूल कविता किसकी है तो यह मुक्ति बोध जी की रचना है सी इसका सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है तो यहाँ पर यह कुल जो है पांच भागों में बांटा गया है सी इसका सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं संप्रेषण का अर्थ क्या है संप्रेषण का अर्थ है अनिवार्य तत्वों का चयन इसका जो मूल अर्थ लगाया जाता है वो लिखा जाता है किसी पैराग्राफ को आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लगभग यह है, एक तिहाई शब्दों में लिखा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं अनिवार्य तत्वों का चयन तो नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो है कि कर्तंत्र प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े जाते हैं तो जुड़े जाते हैं क्रिया के साथ का सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्रस्तावना का पर्यावाचित शब्द कौन सा है तो उसका जो शब्द है वह है पराकथन बी सही उत्तर है कोई आ रहा है इस वाक्य में सर्वनाम क्या है तो इस वाक्य में जो सर्वनाम है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस वाक्य में है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित तो में से किस कवि की कविताओं में सामंथीबोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है तो जो उसका सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए डी देखते हैं आयोग इसका सही उत्तर क्या देता है मेरे हिसाब से डी है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मुद्दे का क्या अर्थ है तो उसका जो अर्थ है वो है वादी नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो यमक अलंकार है सी सही उत्तर है रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते इसका सही उत्तर है यहाँ पर ए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास निम्न में से उष् व्यंजन निम्न नहीं है तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है बी नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भाषा में लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है उपयुक्त सभी तो सभी यहां पर सही है डी का सही उत्तर होगा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कब तक सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध कराने की बात की है तो सही उत्तर जो होगा वो यहां पर बी 2022 तक सबके लिए घर उपलब्ध कराने की बात की गई है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं पूजा एक्ट का संबंध किससे है तो यह संबंध है भूमि बंदोबस्त से डी सही उत्तर है इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं निम्न में से कौन सी आकृति सिंह बाघ और पशुओं के मध्य पाए जाने वाले संबंध को चित्रित कर दी है तो यहाँ पर यह जो है पशु एक बड़ा गहरा है और फिर उसके अंदर बाघ और सिंह है तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 1919 में कुमयू परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था तो जो संपन्न इसका हुआ था वो हुआ था द्वार में डी सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं विधाई विषयों की संवर्ती सूची को किस दिशा ध्यान से लिया गया है तो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अनाईमोड़ी उत्तम शिखर है तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट का यह उत्तम शिखर है जो तमिलनाडु में स्थित है और यह इलायची के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर इलायची की खेती की जाती है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर लीफ नोट सही उत्तर ये होना चाहिए डाउटफुल प्रश्न है ये भी देखते हैं क्या दिखता है आयोग इसका उत्तर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं यूनाइटेड प्रोविजन के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ से पंजीकृत वेद कौन से हैं तो यहाँ पर ये डाउटफुल प्रश्न है इसका ए भी हो सकता है और इसका जो है बी भी हो सकता है मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए लेकिन काफी डाउटफुल प्रश्न है देखते हैं आयोग क्या देगा पंचाचुली पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है तो काफी इजी क्वेश्चन था कई बार रिप्लीट क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्त्यपुर से हटाकर कहां स्थापित की तो यह स्थापित की थी बेजनाथ में बी सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था तो यह किया गया था अगस्त 1918 में सही उत्तर जो होगा का सॉरी सॉरी इसका सब सही उत्तर होगा यहाँ पर सी भी हो सकता है लेकिन काफी डाउटफुल प्रश्न है अगस्त 2017 में किया गया था जो सही उत्तर है सी देखते हैं आयोग इसका क्या डालता है क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न है टाइगर शब्द के कितने वर्ड एक ही स्थिति में रहेंगे यदि यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पर जो तो उसका सही उत्तर होगा वो होगा कोई भी नहीं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 1921 में गठित कुमायू फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष कौन था तो जो इसके अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर पी विडम्ब सही उत्तर जो होगा वो होगा बी नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भारत में एशियाटिक्स सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना किसने की थी तो वो की थी सर विलियम सरविलियम ने सी सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है तो यह जो हिमालय है डी सही उत्तर है इसका निम्नलिखित में से किसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट थ्रतम इकाई अलग करती है तो जो सही उत्तर है वो होगा यहां पर लघु हिमालय और शिवालिक को जो है सी सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति वित्त विद्योग का गठन करता है तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी उन्नीस नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं रीजनिंग का प्रश्न था ये तो यहाँ पर जो है इसको बताना है यहाँ पर कौन सा चिन्ह रखा जाएगा तो छः ग्यारह सॉरी छः प्लस ग्यारह सत्रह सत्रह प्लस बाईस थर्टी नाइन प्लस थर्टी थ्री सेवेंटी टू सही उत्तर तो जो होगा वो होगा यहाँ पर एक सौ सो सोलह ये सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संगठन संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन थे तो जो सही उत्तर है इसका वो होगा यहाँ पर बी डॉक्टर अनिल जोशी 1979 में इसकी स्थापना की, की गई थी नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था तो वो था मानसाह इसका सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है तो वो जो है लधिया नदी है डी इसका सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत का संघीय सरकार का भाग नहीं है तो वो है पृथ्वी विज्ञान एवं मंत्रालय इसका सही सही उत्तर है वो है यहाँ पर बी नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं एक संख्या तीन से अधिक किंतु आठ से कम है और छः से अधिक किंतु दस से कम है तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सेवन काफी इजी क्वेश्चन था ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से भू आकृति जो कि हिमानियों द्वारा नहीं बनती है तो यहां पर जो वी आकार की घाटी है ये हिमानी द्वारा नहीं बनती है इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बी यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न था ये तीन डॉट फाइव तो यहां पर यह था कि फाइव को हम टॉप सब्स पर लिखेंगे इसका जो वर्ग करके ट्वेंटी फाइव और थ्री का जीरो नाइन तो ऐसे ही यहां पर एट का हो जाएगा सिक्सटी फोर और सिक्स का हो जाएगा थर्टी सिक्स तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन थे तो वो से थे श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी सी सही उत्तर है इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया को यह नाम किसने दिया था तो जो उसका सही उत्तर है वो या तो होगा ए या होगा सी तो देखते हैं आयोग क्या देता है डाउटफुल प्रश्न है ये भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी तो यह की गई थी 1950 में तो जो सही उत्तर है यहां पर डी है लेकिन ये 18 जनवरी था यहाँ पर डी इसका सही उत्तर है अठारह के चैन्य विद्रोह के समय कुमायू कमिश्नर कौन था तो वो थे हेनरी रेमजे जो सही उत्तर है यहाँ पर वो होगा सी नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहां पर तीन ए इसका जो सही उत्तर है वो है सी नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है तो वो है ऊपरी गंगा नहर डी इसका सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 1948 में कुमायू रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर जो है स्थापित किया गया था तो जो सही उत्तर है वो है रानीखेत डी सही उत्तर है इसका उत्तराखंड में केची धाम की स्थापना किसने की थी तो वो की थी नीम करोली सही सही उत्तर है वो है वो ए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं सोलह महाजनपदों में प्रथम जनपद कौन था था तो वो था मगध डाउटफुल पर्सन है लेकिन जहां भी देखा मैंने मगध ही मिला तो जो सी सही उत्तर होगा इसका नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं उड़ान एक योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित हवाई सेवा संचालित यहां पर संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई थी तो यहां पर जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा यहां पर डी या ए में से एक सॉरी डी या ए में से एक है सॉरी डी या बी में से एक है पवन हंस या इनमें से कोई नहीं है देखते हैं आयोग क्या देगा डॉक्टर प्रश्न है भी होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 को किस देश में संपन्न हुआ तो यह हुआ था स्विट्जरलैंड में सही उत्तर है इसका नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कोपेश्वर और बाडाहाट के स्तंभ लेख कौन शताब्दी मिले थे तो ये मिले थे छठी सदी में सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की बात निम्नलिखित में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है तो यो जारी नहीं किया गया है उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर बीस सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से किससे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार नहीं है तो वो है डी संसद के दोनों सदनों को अधिकार दिया गया है मानुजी चिल्लर किस मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम होने वाली भारतीय सुंदरी हैं तो वो रही थी यहां पर छठवें स्थान पर काफी पुराना क्वेश्चन है करंट का भी है कभी याद रहा होगा तो ठीक हो गया होगा। की बात करते हैं वाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहां पर झाझरा देहरादून में सी सही उत्तर है देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया था रानी कर्णावती के नाम पर सी सही उत्तर है इसका नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं राज छह किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर ओर मुड़ता है और सात किलोमीटर चलने के बाद फिर से ओर मुड़कर पाँच किलोमीटर चलता है तो उसका चेहरा किस दिशा में है तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी उत्तर की ओर होगा उसका चेहरा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है तो यह कलकत्ता में है हावड़ा के पास आटागाड सहायक नदी किसकी है तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर पिंडन नदी ए इसका सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रभाव प्रणाली कौन सी है तो सबसे बड़ी जो प्रभाव प्रणाली है वो काली नदी की है तो डी इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट की बात करते हैं समोसा कासस क्या है तो यहाँ पर यह है जो है संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस में एक भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्य का एक अनौपचारिक समूह है सी सही उत्तर है इसका नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि 1926 में किस संस्था का विलय किया गया था कांग्रेस में तो वो किया गया था यहां पर कुमायू परिषद इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहां पर डी नेक्स्ट प्रश्न है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है तो वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं होता तो सी उत्तर जो है वह है यहां पर डी नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मानव विकास जो कि रिपोर्ट कौन जारी करता है तो मानव विकास की रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी पी जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो उसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं उत्तराखंड में स्थित ध्वजेश्वर पंचवेश्वर व केदार मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है तो यहाँ पर यह संबंधित है बी महादेव से नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यदि आज सोमवार है तो इकसठ दिन बाद कौन सा दिन होगा तो वो होगा डी नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं उत्तराखंड विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था तो यह पारित किया गया था अगस्त दो हजार को जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहां पर एक अगस्त को बीस का सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं एक घड़ी प्रतिदिन पंद्रह मिनट तिरु हो जाती है तो यदि वे इस दोपहर में बारह बज रहे हैं घड़ी में तो शाम को चार बजे क्या बजेंगे तो बजेंगे चार पंद्रह ए सही उत्तर है स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी कौन था तो भूमि का स्वामी जो था वो था जमींदार बी सही उत्तर होगा गढ़वाल का जोन ऑफ आर्क किसको कहा जाता है तो जोन ऑफ कहा जाता है ऋतु रोतोली को जो तो सही उत्तर है वो है यहाँ पर बी प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से जाना जाता है तो यह है था वाल्मीकि तीर्थ या उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता देखते हैं डाउटफुल प्रश्न है आयोग क्या देगा उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था तो यह किया गया था 20 मार्च को 20 मार्च 2002 को सी सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब की गई तो यह की गई थी यहां पर सही उत्तर जो होगा वो होगा यहां पर इसका 2005 में ए सही उत्तर है यवनों के आक्रमणों का उल्लेख मिलता है तो इसका जो सही उत्तर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से वो भी होना चाहिए देखते हैं आयोग क्या देगा डॉटफुल प्रश्न है भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ई का स्टैंड क्या है तो जो इसका सही उत्तर है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस इंक्वायरी ये सही उत्तर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे वो तो वो थे नीलांबर पंत डी सही उत्तर नेक्स्ट प्रश्न है मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है तो मेरे हिसाब से जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए यहां पर फूलों की घाटी या डी डाउटफुल प्रश्न है ये भी देखते हैं आयोग क्या देगा इसका नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जिसने आत्महत्या की थी तो वो था रॉबिट क्लाइव भ्रष्टाचारों के इनके काफ़ी आरोप लगाए गए थे और जो ब्रिटिश संसद थी उसने इसको बरी भी किया था लेकिन इसके बावजूद भी उसने आत्महत्या की थी नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई तो यह की गई थी 2014 में ए इसका सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोवर स्थलों में से एक है तो धरोवर की बात की गई है तो उसका सही उत्तर जो होगा वो है बी नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लोवर बी सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं पिरान कलियर में उस बनाया जाता है तो यह बनाया जाता है हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबरी के जो कलियर में स्थित है रुड़की के पास नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला कहाँ पर लगता है तो यह लगता है उत्तरकाशी में डी सही उत्तर है इसका राजा स्वतंत्र शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना कब की थी तो यह काफी इजी प्रश्न था 28 दिसंबर 1815 में तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा डी कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है उड़ीसा से भारत के कुल ऐसे आठ राज्य हैं जहाँ से गुजरती है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों का साम्राज्य की धमनी कहा गया है तो यह कहा गया था शेरशाह सूरी का शेरशाह सूरी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनाई थी जो कलकत्ता से लाहौर तक बनाई गई थी नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान मुक्तेश्वर की स्थापना अठारह सौ में की गई थी तो वो की थी एल्फर्ड लिगार्ड के द्वारा सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित चार समस्याएं आकृति और चार उत्तर आकृतें दी गई हैं चारों समस्याएं आकृति श्रृंखला बनाती हैं उत्तर क्या होगा फिर इसका तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए यहां पर बी नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं उत्तराखंड में से उत्तराखंड में नंदौर अभ्यारण कहा स्थित है तो यह नीलता में स्थित है काफी प्रश्न था रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कुछ विद्वान कुछ अध्यापक विद्वान हैं वे विज्ञान में पढ़ाते हैं तो उसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पर सी तर्क और दिए गए थे इसमें नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे यशपाल आर्य ए इसका सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं उत्तराखंड में जन भारत सॉरी भारत में जनसंख्या संबंधित सर्वाधिक पूर्ण और सतत जनसंख्य की अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है तो जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ए या बी में से एक डाउटफुल प्रश्न है देखते हैं वो क्या देगा इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाओ को क्या कहते हैं तो वो कहते हैं बकरवाल पालसी और पचत डी सही है इसका नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं ट्रोजन क्या है तो ट्रोजन एक वायरस है सी सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार प्रवर्तित क्षेत्र को बांटा गया है तो यहाँ पर जो तो उसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी दो तो श्रेणियों में अगर आप इस चैनल पे तो करें, करें, पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद